एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत प्यारा हाथी का बच्चा रहता था। उसका नाम माइकी था। एक दिन माइकी ने आसमान में एक पतंग को उड़ते हुए देखा। पतंग आसमान में बहुत ऊपर उड़ रही थी। माइकी बोला, मुझे भी पतंग की तरह आसमान में उड़ना है। मैं भी आसमान में बहुत ऊपर उड़ना चाहता हूँ। अगले दिन माइकी को उसका दोस्त सिली, जो कि कौवा था, मिल गया। माइकी ने कहा, सिली, मैं भी पतंग की तरह उड़ना चाहता हूँ। सिली बोला, पर माइकी, तुम तो नहीं उड़ सकते। माइकी ने पूछा, मैं क्यों नहीं उड़ सकता? सिली ने कहा, क्योंकि जानवर कभी उड़ा नहीं करते, केवल पक्षी ही उड़ा करते हैं। माइकी रोने लगा और बोला, मैं उड़ना सीख जाऊंगा और दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला हाथी बन जाऊंगा। जिसके बाद माइटी को वाइटी नाम का एक कबूतर मिला। वाइटी बोला, माइटी, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी सवारी कर सकता हूँ? तभी माइटी के दिमाग में एक आइडिया आता है। माइटी ने वाइटी से पूछा, वाइटी, क्या तुम मुझे उड़ना सिखा सकते हो? वाइटी बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूंगा। वाइटी माइटी को एक पेड़ के पास लेकर के गया। वाइटी बोला, माइटी, इस पेड़ पर चढ़ जाओ और अपने हाथ सीधे करो और कूद जाओ, फिर तुम्हें उड़ना आ जाएगा। माइटी फिर से रोने लगा और बोला, मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वाइटी बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। माइटी वाइटी को एक बड़े पत्थर के पास लेकर गया। वाइटी बोला, माइटी, तुम इस पत्थर के ऊपर चढ़ जाओ और वहां से कूद जाओ। माइटी बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। उसने उड़ने की बहुत कोशिश की, पर यह क्या, माइटी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। माइटी को बड़ी सारी चोटें लगती हैं। माइटी बोला, अब मुझे पता चल गया है कि हाथी नहीं उड़ सकते। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी अगर और कहानी आप सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को भी दबाना है। अब जल्दी मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।